नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम सब जैसा कि आपको विदित है, वेद का अध्ययन कर रहे हैं। उसी अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामवेद के दूसरे मंत्र को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। त्वमग्नेयजानामं होतां विश्ववेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने त्वमग्नेयजानामं होतां विश्ववेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। त्वमग्ने, वह परमात्मा जैसा कि प्रथम मंत्र में आया था, परमात्मा को अग्नि नाम से मंत्रों में उद्बोधन किया गया है। हे अग्नि परमात्मन, त्वम आप विश्वेषाम सब यज्ञाना उपासकों से किए जाने वाले ध्यान रूप यज्ञ के होता निष्पादक ऋत्विज हो। अतः देवे भी विद्वानों के द्वारा मानुषे मनुष्य के जने लोक में हित स्थापित अर्थात प्रचारित किए जाते हो। इस मंत्र के श्लेष द्वारा सूर्य पक्ष में भी अर्थ योजना करनी चाहिए, तब परमात्मा सूर्य के समान है, यह उपमा ध्वनित होगी। भावार्थ, जैसे सूर्य सौर लोक में सब अहोरात्र पक्ष मास ऋतु दक्षिणायन उत्तरायण वर्ष आदि यज्ञों का निष्पादक है, वैसे ही परमात्मा आध्यात्म मार्ग का अवलंबन करने वाले जनों से किए जाते हुए सब आंतरिक यज्ञों को निष्पन्न करके उन योगी जनों को कृतार्थ करता है। और जैसे सूर्य अपनी प्रकाशक किरणों से मनुष्य लोक में अर्थात पृथ्वी पर निहित होता है, वैसे ही परमात्मा विद्वानों से मनुष्य लोक में प्रचारित किया जाता है। इस मंत्र में जो समझने वाली बात है कि उस परमात्मा को कहा गया कि वह परमात्मा सब यज्ञों का निष्पादक है, अर्थात सब प्रकार के जो श्रेष्ठ कर्म है उनको करने वाला और कराने वाला है। वह परमात्मा अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है अर्थात प्रकाश स्वरूप है, तेजवान है। यहां परमात्मा का स्वभाव तेज, वह परमात्मा सभी यजमान जो उपासक हैं उनसे किए जाने वाले ध्यान रूप यज्ञों के होता निष्पादक ऋत्विज हो। अतः देवे भी विद्वान के द्वारा मानुषे मनुष्यों के जने लोक में हित स्थापित अर्थात प्रचारित किए जाते हो। बहुत ही सरल शब्दों में मंत्रों में बताया जा रहा है कि वह परमात्मा पवित्र कर्मों को करने वाला है और विश्व का कल्याण करने वाला है। देवता और मनुष्य में वह प्रसिद्ध है और सभी लोग उसका उपासना करते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं और उसको संसार में स्थापित करते हैं। इस मंत्र में तीन बातें कही गई हैं। पहली बात कि वह परमात्मा अग्नि स्वरूप है और यज्ञों को पवित्र कर्मों को करने और कराने वाला है। दूसरी बात, विश्वेषाम हितः, वही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि विश्व का कल्याण हो। तीसरी बात इसमें कही गई है, देवे भी अर्थात देवता भी र मानुषे जने, और मनुष्य जन साधारण जो जनता है, मनुष्य देवता और मनुष्य
साधारण जन भी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को करते हैं। इसको हम सरल ढंग से समझें तो हम परमात्मा कार्य को करने वाला है और उसका कार्य है इस सृष्टि का, और इस सृष्टि के कार्य में आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यह सृष्टि, यह विश्व ब्रह्मांड है और इसमें कितना बड़ा कार्य है। एक छोटे से घास के फूल को आप देखिए कि उस फूल को बनाने में एक मनुष्य को कितनी ज़्यादा सामर्थ्य और शक्ति लगेगी, तो शायद उसके जैसा उसका प्रतिरूप बनाने में कभी समर्थ हो पाए। फिर भी उसमें कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य रह ही जाएगी, क्योंकि सेम टू सेम कॉपी उसका करना लगभग अभी असंभव मात्र है, संभव नहीं है। और विश्व का कल्याण, विश्व संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के कल्याण की जहाँ बात हो रही है, वहाँ सिर्फ हमारे इस पृथ्वी पर रहने वाले विश्व की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी पर भी बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग रहते हैं और सारे अलग अलग धर्म और पंथ को मानने वाले हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धर्म और पंथ को नहीं मानते, अर्थात जो आस्तिक नहीं, जो नास्तिक। वह कल्याण की जो भावना है, विश्व कल्याण की जो भावना है, वह सबके साथ एकात स्थापित करने की जो भावना है, और इसका जो संबंध है सिर्फ पृथ्वी से नहीं और भी जो दूसरे जो लोक हैं उनसे भी संबंध स्थापित करने की बात कही जा रही है। संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के कल्याण और हित के लिए देवता और मनुष्य लोग उस परमात्मा की उपासना करते हैं और उसे सिद्ध करते हैं और उसके कार्य को विस्तृत करने का प्रयोजन करते हैं। यहाँ इस मंत्र का भाव यही है। जैसा कि सूर्य सौर मंडल में सब अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष आदि यज्ञों का निष्पादक है। अब उदाहरण के लिए इसमें बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य सौर मंडल में या सौर लोक में सब अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, दक्षिणायन, उत्तरायण, वर्ष आदि यज्ञों का अर्थात कर्मों का निष्पादक है, वैसे ही परमात्मा अध्यात्म मार्ग का अवलंबन करने वाले जनों से किए जाते हुए सब आंतरिक यज्ञों को निष्पन्न करके उन योगी जनों को कृतार्थ करता है। यहाँ बात जो समझने की है कि आध्यात्म मार्ग का अवलंबन करने वाले जन और उनका जो आंतरिक यज्ञ को निष्पन्न करके उन योगी जनों को कृतार्थ करता है। योगी अर्थात जो योग के माध्यम से परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, नियम इत्यादि अष्टांग योग का पालन करके परमात्मा से संबंध स्थापित करते हैं, परमात्मा उनके आंतरिक यज्ञों को निष्पन्न करता है। इसका मतलब है कि आंतरिक जो उनके द्वेष हैं, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, शोक है इत्यादि जो दुर्गुण है, जो संसार में फंसाने वाले हैं, जो शरीर में फंसाने वाले हैं और कई जन्म और मृत्यु के कारण है, इनसे मुक्त करता है और उन्हें उनके अमरत्व को, अमर आत्म तत्व का साक्षात्कार करने में समर्थ करता है। और जैसे अपनी प्रकाशक किरणों से मनुष्य लोक में अर्थात पृथ्वी पर निहित होता है, वैसे ही परमात्मा विद्वानों से मनुष्य लोक में प्रचारित किया जाता है। जिस प्रकार से सूर्य अपनी प्रकाश की किरणों के माध्यम से इस पृथ्वी पर चारों तरफ व्याप्त होता है, और व्याप्त होने का मतलब है कि वहाँ प्रत्येक जीवन, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक घास फूल से और प्रत्येक छोटे से बड़े तक जितने भी आपको यहाँ पे वस्तुएं पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उसमें परमात्मा है, प्रत्येक परमाणु में परमात्मा है, और प्रत्येक जो परमाणु है उसमें परमात्मा आंतरिक रूप से निहित है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो बाहरी रूप से उस प्रत्येक परमाणु पर, प्रत्येक जो जीवन का कारण है उस पर आश्रित और उसको आश्रय देता है, जीवन को आश्रय देता है, जीवन को पालता पोसता है और उन्हें परिपूर्ण करता है। परमात्मा उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक परमाणु के अंदर व्याप्त होकर, विशेषतर जो विद्वान लोग हैं मनुष्यों में,
वह इस परमात्मा को जानते हैं, योगी जन जानते हैं, इसलिए वह उस परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं और उसका सिद्ध करते हैं और लोगों तक दूर दूर तक उसके संदेश को पहुंचाते हैं। वह परमेश्वर हमारे द्वारा दूत रूप में वर्णन करने योग्य है, यह कहते हैं। अगला मंत्र कहता है कि वह परमेश्वर हम सब का दूत है, अर्थात हमारे संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने वाला, जैसे किसी राजा का कोई दूत होता है, राजा का कोई संदेशवाहक होता है, वह राजा का संदेश एक शहर से, एक राजा से दूसरे राजा के पास, एक देश से दूसरे देश में पहुंचाता है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा दूत रूप में वर्ण करने योग्य, अर्थात वो मांगने योग्य है, वर्ण करने योग्य है, उसकी कामना करने योग्य है उस परमेश्वर की। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम अग्निम दूतम व्रीडेमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सोक्रतुम। अग्निम दूतम व्रीडेमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यजस्य सुक्रतुम। हम होतारम दिव्य गुणों का आवाहन करने वाले विश्ववेदसम विश्व के ज्ञाता, विश्व भर में विद्यमान तथा सब आध्यात्मिक एवं भौतिक धन के स्रोत अस्य इस अनुष्ठान किए जा रहे यज्ञस्य आध्यात्म यज्ञ के सुक्रतुम सुकर्ता सुसंचालक ऋत्विज रूप में अग्निम परमात्मा को दूतम व्रीडेमहे दिव्य गुणों के अवतरण में द्रित रूप से बरते हैं, वरण करते हैं, कामना करते हैं। होतारम अर्थात जो दिव्य गुणों का आवाहन करने वाले लोग हैं, हम लोग अर्थात दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने का जो हम संकल्प करते हैं। दिव्य शक्तियां कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, जो हमारी आत्मा की शक्ति है, हमारे मन और आत्मा और बुद्धि का जो आपस में संश्लेषण होता है, उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है, जिस प्रकार से सूर्य की शक्ति जब पृथ्वी के साथ जुड़ती है और पृथ्वी पर व्याप्त सभी जीवों में वह व्याप्त होती है और एक जीवन का पुष्प खिलता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा में व्याप्त जो ज्ञान है, जो प्रकाश है परमात्मा का, वह जब हमारे मन के साथ जुड़ता है, मंत्र के साथ, और फिर वह हमारी बुद्धि से, तो हमारे पूरे जीवन में उसके दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों का, दिव्य जो दर्शन है, दिव्य जो ज्ञान है, वह हमें प्राप्त होता है। विश्ववेद सम विश्व का जो जानने वाला है, विश्व भर में विद्यमान है तथा सब आध्यात्मिक और भौतिक धन के जो स्रोत है, अस्य इस अनुष्ठान किए जा रहे यज्ञ आध्यात्म यज्ञ के सुक्रतुम सुकर्ता सुसंचालक ऋत्विजम ऋत्विज अग्निम परमात्मा को दूतम ब्रीडिम है दिव्य गुणों के अवतरण में द्रित रूप से बढ़ते हैं, वरण करते हैं। हम परमात्मा को ऋत्विज अर्थात जो परमात्मा अग्नि रूप में है, वह ऋत्विज अर्थात ऋत जो शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत नियम है, शाश्वत ज्ञान है और जो शाश्वत सृष्टि का संचालन करने का विधि विधान है, उसका जो संदेश है, उसका जो नियम है, वह परमात्मा ही सब में प्रकट कर सकता है, सबको व्यक्त कर सकता है, सबको बता सकता है। इसलिए हम परमात्मा को सुक्रतुम पहले तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं अपने आध्यात्म यज्ञ के द्वारा, और फिर उस परमात्मा को ही इस संदेश को पहुंचाने के लिए हम वरण करते हैं कि वह परमात्मा जो है, हाँ, इस अपने पवित्र और शुभ जो गुण और ग्राह आनंद का स्रोत है, सारे धन का स्रोत है भौतिक, वह जो उसका चाबी है, जो आध्यात्म विद्या है, उस आध्यात्म विद्या का अवतरण हो और सब तक वह पहुंचे। जैसे दूत रूप में बरा हुआ कोई जन हमारे संदेश को प्रियजनों के समीप ले जाता है,
हमारे पास और प्रियजन के संदेश को हमारे पास पहुंचाकर उसके साथ हमारा मिलन करा देता है, वैसे ही सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपग्रह न्याय विद्या श्रद्धा सुमति त्याग दिव्य गुणों के और हमारे बीच में दूत बनकर परमात्मा हमारे पास दिव्य गुणों को बुला कर लाता है। इसलिए सब उपासकों को उसे दूत रूप में वर्ण करना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सत्य को धारण करते हैं, अहिंसा को धारण करते हैं, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह न्याय विद्या श्रद्धा सुमति इत्यादि सद्गुणों का जब हम धारण करते, धीरे धीरे जब हम इसकी साधना करते हैं, अपने जीवन में नियम का पालन करते हैं, तो परमात्मा हमारे पास इन सारे गुणों को लाता है और इनको और दृढ़ करता है। इसलिए सब उपासकों को उसे दूत रूप में वर्ण करना चाहिए। परमात्मा को आप वर्ण करें, ध्यान करें, योग करें, धीरे धीरे आपके अंदर यह सारे गुण आने लगेंगे। वर्ण किया हो परमात्मा पापों को सर्वथा नष्ट कर दे, यह प्रार्थना करते हैं। अब जिस परमात्मा की हम कामना करते हैं, वह परमात्मा हमारे सर्वत जो पाप है सर्वथा नष्ट कर दे, यह प्रार्थना हम करते हैं। ओम अग्निरभृत्राणी जंगन द्रविड़ास्ययूर विपन्नया समिध्यः शुक्र आहुतः। अग्निर वृत्राणी जंघनद द्रविण अस्यूर विपन्नया समिध्य शुक्र आहुत। पदार्थ द्रविणस्युः अर्थात उपासकों को आध्यात्मिक धन और बल देने का अभिलाषी द्रविण अस्युः उपासकों को आध्यात्मिक धन और बल देने का जो अभिलाषी अग्नि तेजो में परमात्मा, परमात्मा जो है अपने उपासकों को आध्यात्मिक धन और बल देने का अभिलाषी है, इच्छा करता है। द्रविण का मतलब होता है जो धन है, और आध्यात्मिक भौतिक हर प्रकार का धन मानसिक, और वह हमेशा देना चाहता है। अग्नि तेजो में परमात्मा विपन्नया विशेष स्तुति से, विशेष प्रकार की स्तुति से समिध्य संदीप्त शुक्र प्रज्वलित और आहुत आहुत उपासकों में आत्माहुति से परिपूजित होकर वृत्राणी आध्यात्म प्रकाश के आच्छादक पापों को जंघनत अतिशय पुनः पुनः नष्ट कर दे। परमात्मा जो अभिलाषी है आध्यात्मिक धन बल देने का, जो तेजो में है, ज्ञान में है, प्रकाशमान है, अविपन्नया जो विशेष प्रकार की स्तुति से, विशेष प्रकार के योग से, समाधि की साधना अष्टांग योग इत्यादि साधना से उपलब्ध होता है, समिद्धि समाधान करता है, शुक्र प्रज्वलित होता है, और आहुत उपासकों की आत्माहुति से परिपूजित होकर वृत्राणी आध्यात्म प्रकाश के आच्छादक पापों को जंघनत अतिशय पुनः पुनः नष्ट कर देता है। इसमें समझने वाली बात यह है कि परमात्मा अग्निर वृत्राणी, जैसे कि सूर्य जो है अपनी प्रकाश के किरणों के माध्यम से बादल जो आकाश में होते हैं उन्हें नष्ट करता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा का प्रकाश जब होता है तो अज्ञान का जो आच्छादन, जो वृत्तियां हैं हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे मन में, वह सब धीरे धीरे दूर होते हैं। जंघनद बार बार अभ्यास करने से वह वृत्तियां जो है दूर होती हैं। द्रविणस्युर विपन्नया और हमें धन संपदा की उपलब्धि होती है, समिध्य और हमारे जीवन की समस्या का समाधान होता है, शुक्र आहुत। शुक्र आहुत का मतलब यहाँ पर एक और है कि हम यहाँ पर ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा, शुक्र का मतलब वीर से भी संबंध है, अर्थात जब हम अपने शुक्र का, अपने वीर का आहुत करते हैं, अर्थात उस परमात्मा के लिए अपने वीर, अपनी शक्ति, अपनी साधना को, अपने योग को आहुत करते हैं, देते हैं, हवि करते हैं, उसको चढ़ाते हैं, उसके लिए सब कुछ अपना दे देते हैं, त्याग देते हैं। जिस प्रकार से हम
साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति डाल देते हैं अपनी जो बहुमूल्य औषधियाँ होती हैं, उनसे हमारा वातावरण चारों तरफ का शुद्ध होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में शुद्धता को धारण करने के लिए, ज्ञान को धारण करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में समस्याओं की समाधान के लिए, समाधि के लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और ब्रह्मचर्य का पालन किसके लिए? उस परमात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए, आत्मा के प्रकाश को फैलाने के लिए और अज्ञान को नष्ट करने के लिए। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, इस जगत में व्याप्त तो जो चारों तरफ अज्ञान और अंधकार है, जो आत्मा से अलग ज्ञान है, जो शरीर प्रधान ज्ञान है, उस शरीर प्रधान ज्ञान को वह अतिक्रमण करता है और आत्मा के ज्ञान को वह चारों तरफ प्रकाशित करता है। ऐसा ही साधक बार बार करता है। श्लेष से यज्ञाग्नि पक्ष में भी इस मंत्र की अर्थ का योजना करना चाहिए। याज्ञिक जनों द्वारा हवियों से आहूत प्रदीप्त यज्ञाग्नि जैसे रोग आदिकों को निषेध रूप से विनिष्ट कर देता, वैसे ही परमात्मा रूप अग्नि योगाभ्यासी जनों के द्वारा हार्दिक स्तुति से बार बार संदिप्त था प्राण इंद्रिय आत्मा मन बुद्धि आदि की हवियों से आहूत होकर उनके पाप विचारों को सर्वथा निर्मूल कर देता है। योग की साधना के लिए जैसा कि अष्टांग योग में बताया है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान नियम, यह जो पांच यम है और पांच जो नियम है इनका जो पालन करता है, दस प्रकार के जो धर्म के दस गुण है, धृति क्षमा दमस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इस प्रकार से जो साधना करता है, जो तप करता है, जो अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे वश में करता है और अपने योगाभ्यास के माध्यम से सर्वथा पाप मुक्त होता है, वह परमात्मा के माध्यम से अपने बुद्धि से बहुत ही विस्तृत ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं, यह कहते हैं ॐ प्रेष्ठम् ओ अतिथिम् इस्तुसे मेत्रमिव प्रियम् अग्नेरथम् न वेद्यम्। प्रेष्ठे ओ अतिथिम् इस्तुसे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथम् न वेद्यम्। हे अग्ने अग्रणी परमात्मा, प्रेष्ठम सबसे अधिक प्रिय, अतिथिम अतिथि रूप, मित्रमिव मित्र के समान, प्रियम प्रिय, रथम न रथ के समान, वेद्यम प्राप्तव्य, वह आपकी मैं स्तुसे स्तुति करता हूँ। वह परमात्मा जो अग्नि स्वरूप है, जो तेजमय है, जो ज्ञानमय है, जो प्रकाशमान है, जो सूर्य की किरणों के समान जीवन को देने वाला है, जीवन की शक्ति को बढ़ाने वाला है, प्रेष्ठम और जो आत्मा को सबसे प्रिय है, अतिथिम जो अतिथि रूप है अर्थात उसके आने की कोई तिथि नहीं है, मित्रव जो हमारा आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा कल्याणकारक है, सबसे बड़ा शुभचिंतक है, प्रियम और प्रिय है, रथम न वह रथ के समान, वेद्यम प्राप्त होने योग्य है, जानने योग्य है, समझने योग्य है, होने योग्य है, वह आपकी उसी परमात्मा की मैं स्तुति स्तुति करता हूँ, उपासना करता हूँ। यहाँ मित्र के समान प्रिय और रथ के समान प्रातव्य में उपमा अलंकार है, अग्नि में अतिथित्व के आरोप में रूपक है। जैसे सबको प्रिय होता है, मित्र जैसे सबको प्रिय होता है, वैसे परमात्मा उपासकों को प्रिय है। रथ जैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए प्राप्तव्य होता है, वैसे ही परमात्मा प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग के लक्ष्यभूत ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष को पाने के लिए सबसे प्राप्त करने योग्य तथा स्तुति करने योग्य है। हृदय प्रदेश में विद्यमान परमात्मा साक्षात घर में आया हुआ सबसे अधिक प्रिय अतिथि ही है, अतः वह अतिथि के समान
सत्कार करने के योग्य है। मित्र जो हमारे साथ मिलकर हमें सुख और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला होता है, वही मित्र होता है। परमात्मा भी हमारा मित्र है। जैसे जिस प्रकार से गाड़ी में हम जब बैठते हैं, किसी कार में बैठते हैं, तो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है, पहुंचाता है, वैसे ही परमात्मा हम सबको प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दो प्रकार के मार्ग बताए गए, श्रेय और निश्रेय, अर्थात एक जो पारलौकिक और सांसारिक, लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार का जो मार्ग है, इन दोनों मार्गों में हमें सांसारिक जो ऐश्वर्य है उसे प्राप्त कराने में वह समर्थ है, वह प्राप्त कराता है और प्राप्त कराने के सारे साधन हमारे लिए उपस्थित कराता है, जब हम उसकी साधना करते हैं और उसको लक्ष्य बनाकर चलते हैं। और पारलौकिक, साथ में पारलौकिक जो यहाँ पे संसार से जो अलग जो आंतरिक जगत का जो लोक है, आनंद का जो लोक है, जो विज्ञान का लोक है, जो पारमार्थिक है, उसको भी पाने में हमें समर्थ कराता है। इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन में बताया है कि श्रेय निश्रेय स व धर्म, धर्म वह है जो श्रेय और निश्रेय दोनों प्रकार के हमें लौकिक और पारलौकिक सिद्धि को कराने में समर्थ है, साधन है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है हमें दोनों प्रकार की जो है सिद्धि को कराने में समर्थ है और साधक है। उस परमात्मा को हम अपने हृदय में उपस्थित आत्मा में साक्षात्कार करते हैं, वह सबसे अधिक प्रिय अतिथि है, अर्थात उनके उसके आने की कोई तिथि नहीं है, वह कभी भी आ सकता है जब भी हम उसको तैयार होते हैं उसके लिए, अतः वह अतिथि के समान सत्कार करने की योग्य है। इसलिए परमात्मा को बुलाइए और परमात्मा का सत्कार कीजिए, परमात्मा को अपने हृदय में धारण कीजिए। परमात्मा हमारी किससे रक्षा करे, यह कहते हैं अगले मंत्र में, ओ त्वं नो अग्ने महोभे पाहे विश्वस्याय राते उतः दिशो मर्तस्यः। पदार्थ, हे अग्नि, सबके नायक तेज स्वरूप परमात्मन, तुम जगदीश्वर, आप महो भी अपने तेज से विश्वस्या सब अराते अदान भावना और शत्रुता से उत और मर्तस्य मनुष्य के दुष्ट द्वेष से न हमारी पाही रक्षा कीजिए। इसमें समझने योग्य बात जो है इस मंत्र में कही गई कि वह परमात्मा कैसा है, सबका नायक, सबका नेतृत्व करने योग्य है, सबसे श्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई भी नहीं। उस परमात्मा के नेतृत्व में हम आगे बढ़ें, वही परमात्मा हम सबको अपने तेज से और संपूर्ण विश्व को अराते, संपूर्ण विश्व में से जो अराते अर्थात अदान भावना और शत्रुता से उत और मर्तस्य मनुष्य के दिशा द्वेष से न हमारी रक्षा करे, अर्थात संपूर्ण विश्व में जो अदान भावना अर्थात जिनके अंदर दान देने की भावना नहीं है और जो शत्रुता को निभाने वाले हैं मनुष्य, उन मनुष्यों से और मनुष्यों के द्वेष से हमारी रक्षा करें, पाहीं वह परमात्मा हमारी रक्षा करता है। अदान वृत्ति से ग्रस्त मनुष्य अपने पेट की ही पूर्ति करने वाला होकर सदा सर्वथा ही के लिए यत्न करता है, उससे कभी सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दान और परोपकार की तथा मैत्री की भावना से ही पारस्परिक सहयोग द्वारा लक्ष्य पूर्ति हो सकती है। अतः हे जगदीश्वर, हे राजन और हे विद्वान, आप अपने तेजों से, अपने क्षत्रियत्व से के प्रतापों से और अपने विद्या प्रतापों से संपूर्ण अदान भावना तथा शत्रुता से हमारी रक्षा कीजिए, और जो मनुष्य हमसे द्वेष करता है
तथा द्वेष बुद्धि से हमारी रक्षा कीजिए, उसके द्वेष बुद्धि से हमारी रक्षा कीजिए, जिससे सूत्र में मणियों के समान परस्पर सामंजस्य में पिरोए रहते हुए हम सब उन्नति को प्राप्त करें। यहाँ पे परमात्मा को एक माध्यम बनाया गया है कि वह परमात्मा अपने सद्गुणों को इतना विस्तृत कर दे, इतना व्यापक कर दे, इतना फैला दे कि दुर्गुण अपने आप चारों तरफ का भस्म हो जाए। जो मनुष्यों में फैला हुआ दुर्गुण है, दुर्विचार है, द्वेष है और अहिंसा है, हिंसा इत्यादि है, वह सब धीरे धीरे लुप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना साधक परमेश्वर से करता है। क्योंकि परमेश्वर ही सबका नेतृत्व करने वाला और सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली और सबको सबका कल्याण करने वाला, सबके हृदय में विद्यमान है, वह सबके हृदय में आत्मा की ज्योति को जलाने वाला है। और उस परमात्मा से हम ऐसा कहते हैं जिससे वह परमात्मा दुष्ट वृत्ति वाले जन को भी सद्बुद्धि देने में और देने की प्रेरणा निरंतर करता है। उस परमात्मा की मैं वेद वाणियों से स्तुति करता हूं, यह कहते हैं अगले मंत्र में। एह यूसु ब्रवाणिते अग्न इत्थे तरा गिरह ये भीर वरधास इंदो हे अग्नि परमात्मा, आप आ इही उ मेरे हृदय प्रदेश में आइए। मैं ते आपके लिए इत्था सत्य भाव से इतरा सामान्य विलक्षण गिरह वेदवाणियों को सुसम्यक प्रकार से पूर्ण मनोयोग से ब्रवाणी बोलूं, अर्थात वेदवाणियों से आपकी स्तुति करूं। आप ये भी इन मेरे द्वारा समर्पित किए जाते हुए इंदु भी भावपूर्ण भक्ति रस रूप सोमरसों से वर्धा से वृद्धि को प्राप्त करें। जैसे चंद्र किरणों से समुद्र और वनस्पतियां बढ़ते हैं, यह ध्वनित होता है क्योंकि इंदु चंद्र किरणों का भी वाचक होता है। यहां समझने वाली बात, चंद्र किरणों का मतलब यहाँ पर कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, उसके प्रकाश के कारण रात्रि के समय में समंदर में समंदर का पानी जो है ऊपर बढ़ जाता है, जिसके कारण समंदर में ज्वार भाटा आता है और इससे जो है वनस्पतियां बढ़ती हैं। जहां तक पानी फैलता है उससे वनस्पतियां बढ़ती हैं। इसी प्रकार से सूर्य की किरणें जब समंदर पर या पानी पर कहीं भी पड़ती हैं तो वह पानी जो है धीरे धीरे वाष्पभूत होकर आकाश में जाता है और बाद में वह बरसता है और तरह तरह पे जहां पानी नहीं है वहां भी पानी आकाश से पहुंच जाता है बारिश के माध्यम से, और वहां पर भी जो वनस्पतियां हैं, जीव हैं, जंतु हैं, वह सजीव हो जाते हैं और उनका विकास होता है। इसी प्रकार से वह परमात्मा भी है, वह हमारे हृदय में है। हम सब उसकी प्रार्थना करते हैं। साधक कहता है कि मैं आपके लिए इतना सत्य भाव से इतना सामान्य विलक्षण अर्थात विशेष रूप से गिरह, यहाँ जो गिरह है, जो वेदवाणियां हैं, वेदवाणी अर्थात वेद के मंत्र कोई सामान्य वस्तु नहीं है, यह वाणियों में सबसे श्रेष्ठ वाणी है। और इस वाणी के माध्यम से जब उस परमात्मा की उपासना की जाती है, उसको बुलाया जाता है, उसको आकर्षित किया जाता है सम्यक प्रकार से पूर्ण मनोयोग से ब्रह्माणी बोलता है, जब साधक अर्थात वेद वाणियों से जब हम उसकी स्तुति करते हैं, आप ये भी इन मेरे द्वारा समर्पित किए जाते हुए इंदु भी भावपूर्ण भक्ति रस सोमरस से वर्धा से वृद्धि को प्राप्त करते, इस प्रकार से वह परमात्मा भी वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार से मंत्रों के माध्यम से जब उच्चारित होता है तो परमात्मा आत्मा का तो विस्तार होता है, साथ में उस परमात्मा का भी विस्तार होता है। ऐसी भावना साधक करता है। भक्ति रस में सोमरस से, भक्ति रस एक अद्भुत गुण है। भक्त का जो आनंद है मीरा का हुआ,
तुलसीदास का हुआ और कबीर का हुआ। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने भक्ति रस से परमात्मा को जाना और परमात्मा को प्रचारित प्रसारित किया, फैलाया। परमात्मा तो फैला हुआ है लेकिन वो अंतरतम में व्याप्त है, वो अंतर्यामी है, वो गुण है, रहस्य है। लेकिन जब साधक अपनी साधना से, सत्य स्तुति से और सबसे जो श्रेष्ठ गुण है, श्रेष्ठ जो मार्ग है, श्रेष्ठ जो साधन है, वह वेद मंत्रों के माध्यम से जब स्तुति करता है साधक, तो उसके माध्यम से परमात्मा की अतिशय वृद्धि होती है, परमात्मा का अतिशय विस्तार होता है लोगों में। और यह जो वेद मंत्र हैं, यह कोई सामान्य नहीं है। जिस प्रकार से साधारण जो मनुष्य कृत वाणियां हैं और सामान्य होती, पर वेद वाणियां परमेश्वर कृत होने के कारण से उनसे विलक्षण है। उनमें प्रत्येक पद साभिप्राय तथा विविध अर्थों का प्रकाशक है। उपासक लोग यदि उन वाणियों से परमात्मा को भजे और उसके प्रति अपने भक्ति रस रूप सोम रसों को प्रवाहित करें, तो वह चंद्र किरणों से जैसे समुद्र वनस्पति आदि बढ़ते हैं, वैसे उन भक्ति रसों से तृप्त होकर उन उपासकों के हृदय में अत्यंत वृद्धि को प्राप्त करके उन्हें कृतकृत्य कर दे और कर देता है। परमात्मा का जब श्रद्धा और भक्ति से, सत्यता से, प्रेम से, आनंद से विहोर होकर योग साधना के माध्यम से, वेद मंत्रों के जाप से और स्तुति से बुलाया जाता है, तो परमात्मा आता है और परमात्मा उस साधक के हृदय में व्याप्त होकर और उसे आनंदित करता है और उसके आनंद को निरंतर दिन पर दिन बढ़ाता रहता है। मैं तो इस परमात्मा में अपना प्रेम बांधता हूं, यह कहते हैं अगले मंत्र में। ॐ आते वत्सो मनो यमत परमाचित सदस्ता अग्नि त्वाम कामये गिरा। ओ आते वत्सो मनो यमत पर माचे सधस्ता अग्ने त्वां कामये गिरा। पदार्थ। हे अग्नि, जगत पिता परमात्मन, ते तेरा वत्स प्रिय पुत्र परमाचित सुदूरस्थ भी सधस्थात प्रदेश से मन अपने मन को आयमत लाकर तुझ में केंद्रित कर रहा है। अर्थात मैं तेरा प्रिय पुत्र तुझ में मन को केंद्रित कर रहा हूं। मैं गिरा स्तुति वाणी से त्वाम तुझ परमात्मा की कामय कामना कर रहा हूं, अर्थात तेरे प्रेम में आबद्ध हो रहा हूं। जगत पिता परमात्मा जो अग्नि स्वरूप, अग्नि नाम से विख्यात इन मंत्रों में हो रहा है, उस परमात्मा के हम सब पुत्र हैं। ईसा मसीह कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, लेकिन वेद मंत्र कहता है कि सभी हम सब उस ईश्वर के पुत्र हैं। परमात्मा चित, परमाचित अर्थात जो हमारा मन बाहर विषयों में दूर तक भटक रहा है, उस मन को हम एकाग्रचित करते हैं योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से साधते हैं, सदस्ता साधना के माध्यम से अपने मन को आयमत उसे एकाग्रचित करके तुझमें अर्थात परमात्मा में केंद्रित करते हैं, कर रहा हूं। अर्थात मैं तेरा प्रिय पुत्र तुझ में मन को केंद्रित कर रहा हूं। मैं गिरा स्तुति वाणी से त्वाम तुझ परमात्मा की कामय कामना कर रहा हूं, अर्थात तेरे प्रेम में आबद्ध हो रहा हूं।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि परमात्मा का जो उपासना हो रहा है, जो स्तुति हो रही है, इन मंत्रों में परमात्मा को विकेंद्रित करके, सेंट्रलाइज करके इन मंत्रों को गढ़ा गया है। इन मंत्रों का भाव उस अदृश्य परमात्मा की ही लक्ष्य करके रचे गए हैं। ये परमात्मा के द्वारा परमात्मा की ही वाणी है। परमात्मा ही इस मंत्र के माध्यम से स्वयं को प्रकट करता है। जब साधक इन मंत्रों में अपना ध्यान लगाता है, अपना चित्र लगाता है, अपना मन लगाता है और इसको साधता है, तो परमात्मा की कामना करता है इसके माध्यम से और परमात्मा के साथ एक हो जाता है, आबद्ध हो जाता है, जुड़ जाता है। जब मनुष्य सांसारिक विषयों की निस्सारता को देख लेता है कि संसार नाशवान है और यहाँ प्रत्येक सुख में भी दुख मिश्रित है, दुख मिला हुआ है, तब वह दूर दूर से भूप्रदेशों में भटकते हुए अपने मन को सभी प्रदेशों से लौटाकर परमात्मा में ही संलग्न कर लेता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है संसारिक भोग विलास की प्रत्येक वस्तुओं का अनुभव से प्रायः लोगों को नहीं होता, इसीलिए लोग जो है भटकते रहते हैं, तरह तरह के आकर्षण और तरह तरह के लोभ, तरह तरह के विषयों की तृप्ति के लिए। लेकिन जब साधक को हो जाता है कि संसार की सारी वस्तुओं में वह सार नहीं है, वह आनंद नहीं है, वह सुख नहीं है जो शाश्वत ज्ञान को, शाश्वत आनंद को देने वाला, तब वह उस मन को परमात्मा में जोड़ता है और वाणी से परमात्मा के ही गुणधर्मों का बारंबार स्तवन स्तुति करता है और उसके प्रेम से परिप्लुत हृदय वाला होकर संपूर्ण पृथ्वी के भी राज्य को उसके समक्ष तुच्छ समझता है। तुच्छ इसलिए समझता है क्योंकि परमात्मा का ही बनाया यह संपूर्ण जगत है और ऐसे अरबों खरबों पृथ्वियां उसने बनाकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। ऐसे सूर्य और चांद और तारे, ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं, अद्भुत तारे हैं जो सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि हीरे से बना हुआ ग्रह है, सोने से बना हुआ ग्रह है। तो ऐसे बड़े बड़े जो है उस परमात्मा ने बनाया है, उस परमात्मा के सामने यह पृथ्वी क्या है। जब साधक उसके जानता है तो सभी से अपना मन खींच करके, दूर विषयों से हटा करके उस परमात्मा में लगाता है और परमात्मा का ही चिंतन मनन और ध्यान करता है और परमात्मा में लीन होता है। अगले मंत्र में योगी जन परमात्मा को मस्तिष्क पुंडरीक में प्रकट करते हैं। यह विषय है परमात्मा कहाँ प्रकट होता है, योगी जन उस परमात्मा को कहाँ प्राप्त करते हैं, कहाँ देखते हैं, इस मंत्र को अगले मंत्र में बताया गया है। ॐ त्वामग्ने पुष्करादयथर्वा नीरमन् थत मूरधनो विश्वास्य माघतः। पदार्थ हे अग्नि, तेज स्वरूप परमात्मा अथर्वा चलायमान न होने वाला स्थित प्रज्ञ योगी, त्वाम आपको विश्वस्य सकल ज्ञानों के वाहकात वाहक पुष्करात मूर्धन्य आदि कमलाकार मस्तिष्क में निर्मंथत मथ कर प्रकट करता है। समझने योग्य बातें कि उस परमात्मा को, वह परमात्मा जो अग्नि स्वरूप, तेज स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, उस परमात्मा को जो अथर्वा अर्थात जो योगी है, अर्थ को जानने वाला, उस परमात्मा का को जानने वाला जो योगी है अथर्वा, उसे कहा गया स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त स्थित हो गया है, एकाग्र हो गया है, त्वाम आपको उस परमात्मा को विश्वस्य सकल ज्ञान के
वाहकात वाहक, उस परमात्मा जो संपूर्ण विश्व के ज्ञान का वाहकात अर्थात वाहक, पुष्करात उसको मूर्धन अधि कमलाकार मस्तिष्क में अर्थात सहस्त्रार्थ निर्मंथक मत कर प्राप्त करता है। जिस प्रकार से दूध को मत कर दही, दही को मत कर घृत प्राप्त किया जाता, उसी प्रकार से परमात्मा को मस्तिष्क में अपने हृदय, दो प्रकार का है, एक हृदय जो है हमारा पंप करने का काम करता है जो हमारे सीने में होता है, और एक दूसरा हृदय है जो हमारे मस्तिष्क में होता है। उस हृदय में आत्मा स्थित होती है और उसी हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार योगी करता है। इसकी बात उपनिषद में भी आती है। परमात्मा रूप अग्नि को मत कर प्रकट करने की प्रक्रिया बताते हुए श्वेतासतर उपनिषद में कहा है, अपने आत्मा को निचली अरणी बनाकर और ओमकार को ऊपरली अरणी बनाकर ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से छिपे हुए परमात्मा रूप अग्नि को प्रकट करें। श्वेताश्वर 2:14, कमल के पत्ते पुष्कर पर्ण के ऊपर अग्नि उत्पन्न हुआ था, यह कथा इसी मंत्र के आधार पर रच ली गई है। अरणी का मतलब कि जिस प्रकार से संविधा होती है, परमात्मा को अपनी आत्मा को निचली अरणी बनाकर अर्थात नीचे की जो अरणी है अर्थात नीचे की जो संविधा है, और ओंकार को ऊपरी अरणी अपनी आत्मा से उस परमात्मा का जाप, ईश्वर का नाम जो ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, ध्यान रूप से एकाग्रचित करके अभ्यास से छिपे हुए परमात्मा जो अदृश्य रूप से हमारी आत्मा में व्याप्त है उसे प्रकट करें। कमल के पत्ते में जो कथा है इसी प्रकार से प्रकट हुई है। जैसे अरणियों के मंथन से यज्ञवेदी रूप कमल पत्र के ऊपर यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ योगियों को ध्यान रूप मंथन से कमलाकार मस्तिष्क में परमात्मा रूप अग्नि को प्रकट करना चाहिए। विवरणकार माधव ने इस मंत्र के भाष्य में यह इतिहास लिखा है, सर्वत्र घोर अंधकार छाया हुआ था, तब मातृसुवा वायु को आकाश में सूक्ष्म अग्नि दिखाई दी, उसने और अथर्वा ऋषि ने उस अग्नि को मत कर प्रकट किया। उसका किया हुआ मंत्रार्थ सार रूप में इस प्रकार है, अग्नि हे अग्नि, अथर्वा अथर्वा ऋषि ने त्वाम तुझे मूर्धन्य प्रधानभूत पुष्करात अंतरिक्ष से विश्वस्य बाधत सव ऋत्विजिम यजमानों के लिए निर्मंथक अतिशय रूप से मत कर निकालता है। वस्तुतः विवरण कार प्रदत्त कथानक शिष्ट उत्पत्ति प्रक्रिया में अग्नि के जन्म का इतिहास समझना चाहिए। आकाश के बाद वायु और वायु के बाद अग्नि, यह उत्पत्ति का क्रम है। उत्पन्न हो जाने के बाद आकाश में सूक्ष्म रूप से अग्नि भी विद्यमान थी, उसे अथर्वा परमेश्वर ने पूर्वोत्पन्न वायु के साहचर्य से मत कर प्रकट किया, यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। भरत स्वामी के भाष्य का यह आशय है, अथर्वा ने मूर्धन्य धारक विश्वस्य बाधित सबके निर्वाहक पुष्करात अंतरिक्ष से या कमल पत्र से अग्नि को मत कर निकाला। सायण का अर्थ है अग्नि, हे अग्नि, अथर्वा अथर्वा नाम के ऋषि ने मूर्धन्य मूर्धा से के समान धारक विश्वस्य सब जगत के बाधित वाहक पुष्करात अधि पुष्कर पर्ण अर्थात कमल पत्र के ऊपर त्वाम तुझे निर्मंथक अरणियों से उत्पन्न किया। यहाँ भी पुष्कर पर्ण सचमुच का कमल पत्र नहीं है, किंतु यज्ञवेदी का अवकाश है, खाली स्थान आकाश है, और अथर्वा है स्थिर चित्त से यज्ञ करने वाला यजमान जो यज्ञ कुंडों में अरणियों से अग्नि उत्पन्न करता है, यह तात्पर्य जाना चाहिए। उवट ने यजुर्वेद 11 अध्याय मंत्र 32 के भाष्य में जल ही पुष्कर है, प्राण अथर्वा है, प्राण ही योगी है। शतपथ ब्राह्मण 4:2:2:2 या शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर मंत्रार्थ किया है।
तुझे हे अग्नि पुष्करात जल में से अथर्वा सतत गतिमान प्राण ने निर्मंथक मत कर पैदा किया। यही अर्थ महिधर को भी अभिप्रेत है। यहाँ प्राण से प्राणवान परमेश्वर या विद्वान मनुष्य, जल से बादल में स्थित जल और अग्नि से विद्युत जानने चाहिए, अथवा शरीरस्थ शरीर में रहने वाले प्राण खाए पिए हुए रसों से जीवनाग्नि जीवन की अग्नि को उत्पन्न करता है, यह तात्पर्य समझना चाहिए। महिधर ने दूसरा वैकल्पिक अर्थ पुष्कर पर्ण कमल पत्र के ऊपर अग्नि को मथने परख ही किया है। भाष्यकारों ने तात्पर्य प्रकाशित किए बिना ही कथाएं लिख दी है, जो भ्रम की उत्पत्ति का कारण बनी। वस्तुतः अथर्वा नामक किसी ऋषि का इतिहास इस मंत्र में नहीं है, क्योंकि वेद मंत्र ईश्वर प्रोक्त है तथा सृष्टि के आदि में प्रादुर्भूत हुए हैं और पश्चादवर्ती ऋषि आदिकों के कार्यकलाप का पूर्ववर्ती वेद में वर्णन नहीं हो सकता। अब परमात्मा के पास से परम ज्योति की प्रार्थना करते हैं। ॐ अघन विवा अग्ने विश्वस्य वदाभरास्यमभ्यमूतये महे देवो ह्यसि नो दृशे। पदार्थ, हे अग्ने परमपिता परमात्मन, आप महे महान उतय रक्षा के लिए असंभयम हमें विवस्वत अविद्या अंधकार को निवारण करने वाले अध्यात्म प्रकाश आप प्रदान कीजिए। परमपिता परमेश्वर से, जो सबकी रक्षा करने वाला है, हम सब अविद्या अंधकार का निवारण करने वाले आध्यात्म प्रकाश को मांगते हैं, वही प्रदान करने वाला है ही, क्योंकि आप न हमारे दृश्य दर्शन के लिए हमें विवेक दृष्टि प्रदान करने के लिए ही निश्चय ही देव प्रकाश देने वाले असी हैं, क्योंकि परमात्मा ही निश्चय से हमें उस प्रकार का ज्ञान, उस प्रकार का ध्यान और उस प्रकार की शक्ति देने में समर्थ है। श्लेषालंकार से मंत्र के सूर्य परक अर्थ योजना भी करनी चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य कार्य करता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा में व्याप्त परमात्मा भी कार्य करता है। वह भी सूर्य के समान प्रकाशवान कल्याणार्थक है। भावार्थ, सूर्य रूप अग्नि जैसे जीवों की रक्षा के लिए अंधकार निवारक ज्योति प्रदान करता है, वैसे ही परमेश्वर अविद्या अस्मिता राग द्वेष मोह आदि रूप अंधकार के निवारण के लिए हमें आध्यात्मिक तेज प्रदान करें। इस प्रकार से हमने यजुर्वेद सामवेद के इस 10वें मंत्र को पूर्ण किया। फिर हम अगले अपने वीडियो में और आगे मंत्रों को लेंगे। एक बार हम इन मंत्रों को पुनः दोहरा लेते हैं। त्वमग्ने यजानाम् होताम् विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। आप परमात्मा के कल्याण में
होता के माध्यम से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, देवताओं का, मनुष्यों का और सभी साधारण जनों का। अग्निम धूतम वृणे महे होतारम भेष्वेदसम अस्य सकृतम। हम उस परमात्मा को अपने सुकृतम सुंदर कर्म के माध्यम से विश्व में व्याप्त देखते हैं, जानते हैं और वह हमारे सभी अंधकार अज्ञान को नष्ट करने वाला है। वही हमारे अंदर आध्यात्म का प्रकाश करने वाला, आत्मा का ज्ञान देने में सहायक होता है। ओम अग्निरवृत्राणि जंगन द्रविड़स्य यूर विपन्नया समिध्य शक्र आहुतः। हम उस परमात्मा को बार बार अपने योग साधना के माध्यम से, ब्रह्मचर्य के माध्यम से, अहिंसा सत्य अस्तेय के धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से, अभ्यास से, सभी प्रकार की जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो हमें हानि पहुंचाने वाले दुर्गुण हैं, उन्हें नष्ट करने में समर्थ होते हैं। श्रेष्ठम ओ आतिथिम इस्तु से मित्रमेवम प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। वह परमात्मा हम सब के लिए अतिथि के समान है, हमारा सबसे प्रिय मित्र है और वह रथ के समान है जिस रथ से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। अर्थात हम उस परमेश्वर के माध्यम से परमेश्वर के ऊपर आरूढ़ होकर, परमेश्वर के साथ होकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं और परमात्मा के स्वागत और सत्कार से, परमात्मा की स्तुति से, परमात्मा का प्रिय मित्र जो हम सबका है उसे बनाकर। त्वाम नाग्ने महो भी पाहि विश्वाय राते उतो दिशो मरतस्य। इस मृत्यु लोक में सभी मनुष्य जिनमें द्वेष है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, जो साधक जनों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जो सांसारिक विषय भोगी जन है आराते, उन्हें हम परमात्मा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि परमात्मा उनके हृदय में आनंद को फैलाए और उनके अज्ञान को नष्ट करे और हमारे ज्ञान का विस्तार करे, हमारी रक्षा करे अपने ज्ञान के विस्तार से और अज्ञान की हानि से। एहयुषु ब्रह्माणी ते अग्ने इत्थे तरागिर एभिर वर्धसा इंदो भी। हम वेद वाणियों के माध्यम से उस परमात्मा की स्तुति करता है, उस परमात्मा की स्तुति से हमारे हृदय में उस परमात्मा का प्रकाश होता है, विस्तार होता है, आनंद का, सुख का, ऐश्वर्य का। क्योंकि वेद वाणियां जो है साधारण वाणियों से श्रेष्ठ वाणियां हैं और यह स्वतः ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी से जब परमात्मा का उपासना किया जाता है तो परमात्मा उसे सहजता से स्वीकार करता है और समझता है और उसको वह आगे उसका आंसर उत्तर भी देता है और दूसरी वाणियां जो होती हैं उस वाणियों को वह उतनी सुलभता से समझने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें द्वेष और ईर्ष्या और काम क्रोध मिश्रित होते हैं। अगला मंत्र जैसा कहता है, आते वत्सु मनु यमत परमाच चित्त सदास्ता अग्नि त्वा काम ए गिरा। हम अपने मन को दूर जो भाग गया है, विषय में लगा हुआ, उसे साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से एक तरफ लाते हैं और आप में उस परमेश्वर में स्थित करते हैं जो परमेश्वर हमारे हृदय में व्याप्त है। और उस परमेश्वर को योगी कहाँ प्राप्त करता है, उस योगी अपने मस्तिष्क में प्राप्त करते हैं।
त्वाम अग्ने पुष्कराद यथर्वा निरमंथत मूर्धनो विश्वस्य बाधत। उस परमात्मा को हम अपने हृदय प्रदेश में, हमें आत्मा में, उस मूर्धन अर्थात अपने मस्तिष्क में प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से यह दसवां मंत्र हुआ। अग्ने विवस्वदा भरमास्य भ्यमूतये महे देयो यसी नो दृशे। इस मंत्र को दोहराइए और इसका आनंद लीजिए, इसके भाव को समझिए, बार बार उच्चारण कीजिए और ज्ञान में अपने को दृढ़ कीजिए। इसी कामना के साथ हम फिर अगले मंत्रों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।